अब मसला ये है कि अब हम इधर से किधर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अकल और हिकमत इस्तेमाल करें। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फतह कर लूं। उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहां। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफगानिस्तान में फंसे रहेंगे? वियतनाम वॉर, क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वियतनाम वॉर इतनी दूर जाएगी? इसलिए ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहां से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूं कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई, उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल, हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए।